हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। अब आपको पता ही होगा दोस्तों कि हर ब्रांड अपनी बाइक्स में जो प्राइस है वो बढ़ाते जा रहा है। कहीं ना कहीं यार हर ब्रांड प्राइस बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ब्रांड प्रॉपर प्राइस बढ़ा रहा है, हर ब्रांड भाई प्राइस बढ़ा रहा है। अब आपको पता है दोस्तों, KTM RC 200 के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहले मैंने आप लोगों को ड्यूक्स के बारे में बताया था, ड्यूक सीरीज के बारे में। अब बात करने वाले KTM RC के बारे में। देखिए दोस्तों, ऑब्वियसली बात है भाई, इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ना यार कोई अच्छी चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार कि भाई अगर आप विदाउट एनी अपडेट अगर प्राइस बढ़ाते हो तो फिर वो चीज़ बेकार है। चलो ये तो समझ में आता है कि RC 390 नई मॉडल है, नई बाइक है, तो इसका प्राइस बढ़ाया जा सकता है। लेकिन भाई यहाँ पे अदर ब्रांड बिना किसी अपडेट के भी प्राइस बढ़ा, और ऐसा नहीं है कि KTM सिर्फ RC में प्राइस बढ़ाया। भाई KTM ने अपनी सभी बाइक्स में जो प्राइस है वो बढ़ा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों कि यहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि भाई KTM एक मतलब जो अपनी RC सीरीज है वो नई मॉडल तो है, लेकिन फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, लेकिन प्राइस बढ़ाया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं KTM RC 200 के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अब इस बाइक के प्राइस के बारे में। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले एक्सरूम प्राइस के बारे में। दोस्तों RC 200 अब आपको एक्सरूम प्राइस देखने को मिल रही है 2,15,000, 2,15,000 रुपये के आसपास की ये बाइक आपको एक्सरूम प्राइस देखने को मिल रही है। यानी कि देखा जाए तो इस बाइक का जो प्राइस है, अगर आप पुरानी वाली से कंपेयर करो, तो जहाँ तक मुझे याद है कि अभी 3 से 4 महीने पुरानी बात बता रहा हूँ कि KTM ने जब बाइक को लॉन्च किया था तो इन्होंने क्या किया था, अपनी पुरानी वाली RC से ही इस बाइक का प्राइस रखा था। मतलब पुरानी वाली जो RC 200 का प्राइस था वही प्राइस यहाँ पे इन्होंने रखा था अपनी तरफ से। लेकिन अब दोस्तों इसका प्राइस बढ़ाया जा रहा है। पहले ये बाइक 2,08,000 रुपीज, 2,08,000 रुपए के आसपास की एक्स शोरूम प्राइस आती थी। अब दोस्तों ये बाइक आप लोगों को 2,15,000 रुपीज के आसपास की एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो उससे पहले आपको क्लियर करना चाहूंगा कि हर एक स्टेट में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO एंड इंश्योरेंस चार्जेस में फर्क होता है। ऑब्वियसली बात है यार, आप लोगों के अगर इसका क्या प्राइस अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो ऑन रोड प्राइस आ रही है 2,48,000 रुपए, 2,48,000, जी हाँ 2,48,000 रुपीज के आसपास की अब ये बाइक आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। बाकी आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में इस बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस है अगर आपको पता हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बाइक है ना, आप वैल्यू फॉर मनी बाइक नहीं है। ऐसा पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है, क्योंकि 2,50,000 रुपये यार सीधे सीधे पहुंच चुकी है। क्या 2,50,000 रुपया देना इस बाइक के लिए बेहतर रहेगा? अगर आप लोग को लगता है कि बेहतर रहेगा तो भाई आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बट मेरे हिसाब से तो दोस्तों अब ये बाइक वैल्यू फॉर मनी नहीं रही है। बाकी यार जो भी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।